वेलकम टू फंटो टू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे कंट्रो की डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो जो आज की वीडियो में आपको जो काउंटर के डिज़ाइन आती है उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से बनाई जाती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का घंटे का बटन उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। और नए सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल में आप जुड़ रहे। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो इस पार्ट में मैं इतना ही जो पार्ट आपको बताऊंगा किस तरह से कंट्रो के डिज़ाइन इस जो साटे हैं उसमें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे पार्ट में आपको पंचे करके बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब शुरुआत कर देते हैं इस डिज़ाइन के कंट्रो। जो यहाँ पे देखो मैंने काउंटर का ऑप्शन चालू कर दिया और इनपुट ऐसे डिज़ाइन को बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर स्पेसिंग जो है वो हम रख देंगे 1.25 रख देंगे 125, और यहाँ पे 1.25 सॉरी, और रन लेंथ हम 4 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल हो गए, यहाँ पे रन लेंथ 3.5 और जो होंगे 20 रैंडम 50 रख देंगे, ठीक है दोस्तों। और हम क्या करेंगे, इनपुट यहाँ पे ऑप्शन चालू है हमारा, और इसको किस तरह से बनाएंगे यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन को चालू कर देना है, ठीक है दोस्तों। जो सर्टेन की तरह है नॉर्मली इसका है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग आपको ध्यान रखना है कितना रखना है, और रन लेंथ भी आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से आप इनपुट ऐसे बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ पे काउंटर का ऑप्शन चालू कर देना है आपको, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ पे काउंटर की डिज़ाइन बन सकती है, और फिर से हम फटाफट बना देते हैं यहाँ। इस तरह से बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। और मैं जल्द से जल्द आपको फटाफट नए वीडियो अपलोड आपको कई सारी डिज़ाइन के बारे में अभी बताना बाकी है। तो इस तरह से हमें टाइम मिलता रहेगा, उस तरह से आपको आपको जानकारी देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और कई व्यूअर के जहाँ कमेंट थी कि हमको जो दूरे का वीडियो अपलोड किया है कोडिंग के बारे में उसमें पता नहीं चल रहा है, तो आशा रखता है नेक्स्ट वीडियो में या अदरवाइज जब भी टाइम मिले आपको इसकी जानकारी प्रॉपर दे दूंगा। दूसरी आरिक की वीडियो डाल दूंगा उसमें आपको जानकारी दे दूँगा। आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे कि कंट्रोल की किस तरह से डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेसिंग और इनपुट ऐसे बनाई जाती है, और जो उसका ऊपर ऑप्शन करना है कंट्रोल का चालू कर देना है, और इसमें ध्यान रखना है आपको पंचिंग में ध्यान रखना है, क्योंकि पंचिंग में ऊपर जो कंट्रोल की डिज़ाइन है उसमें छप पाता है। तो दूसरा भी ऑप्शन है, दो से आप डिज़ाइन बना सकते हो, कि मैं आपको दूसरे एक रिज से बनाऊँ अभी बनाऊँगा और दूसरी रिज से भी अभी बना दूँगा, और दोनों का पंचिंग आपको साथ में बताऊँगा, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि देखिए मैंने नीचे से बना के ये बना रहा हूँ और दूसरे पार्ट में मैं आपको, इसलिए मैंने छोटा सा एक जो पार्ट लिया है कंट्रोल डिज़ाइन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो पता चल जाएगा किस तरह से आप ये कंट्रोल की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, तो अभी मैंने इस तरह से बनाई है। तो देखिए अभी जो मैं पंचिंग कराऊँगा उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, ये फर्स्ट रीत है, दूसरी में आपको रीत बताऊँगा उसमें आपको जो जंप है वो नहीं आएगा, नहीं तो कंट्रोल के डिज़ाइन में जंप आएगा ही आएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो ले उसके लिए भी मैंने दूसरी रिज से भी आपको बता दूंगा किस तरह से आप कंट्रोल की दूसरी रिज से भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। उसमें आपको जंप नहीं आएगा, लेकिन आपको एक रीत बात का ध्यान कर रखना रहेगा, वो जो मैं पंचिंग में आपको कब बता दूंगा कि आपको क्या बात का ध्यान रखना है। देखिए मैंने किस तरह से बनाई, यहाँ नीचे से हमने रखा था, तो अब क्या करेंगे हम इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, तो आप क्या कौन सी बात का ध्यान रखना है वो आपको पंचिंग में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको डिज़ाइन ये बनाते बता दूंगा, लेकिन आपको पंचिंग में प्रॉब्लम आएगा उसको मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो पंचिंग में इस दूसरे पार्ट में पंचिंग करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये दो रीत से हमने बनाई है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी हमने
इस तरह से बनाइए, वो भी चाहते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने अभी वीडियो काफ़ी देखे होंगे, फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे चैनल को। और इसी तरह से हम कई सारे आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और अभी तो आपने जो डिज़ाइन के वीडियो अपलोड किए हैं वो ज़्यादा तो हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे डिज़ाइन के रिलेटेड वीडियो अपलोड करने बाकी है। तो आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द भी मुझे टाइम मिलता रहेगा दोस्तों, इस तरह से मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। ये जो काउंटर के डिज़ाइन है उसमें आपको जंप आता ही रहता है, लेकिन मैं दो रिश्ते डिज़ाइन बनाऊँगा आपको, जो रिश्ते जो इसीलिए आपको हो पाए उस तरह से आप डिज़ाइन को आप बनाना। तो इससे मैं देखिए मैं ऊपर से पत्ती को ऊपर से बनाना चालू करा, क्योंकि आपको बता दूंगा कि कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और दोनों रिप में आपको बता दूंगा इस वीडियो में। अभी देखिए तो मैं दो रिश्ते बता रहा हूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि जो दो रिश्ते हमने डिज़ाइन बनाई है उसमें क्या डिफरेंट है और इसमें क्या डिफरेंट, तो आपको पूरी जानकारी पता चल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह से हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका पंचिंग भी करेंगे, और स्पेसिंग का भी आपको ध्यान रखना है कि काउंटर में कौन सी कितना स्पेसिंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मली जिस तरह से साटिन है उस तरह की डिज़ाइन है, लेकिन इसमें तो टाका है अलग आता है, उसकी फेक भी अलग आती है। अभी आपको पता भी यहाँ पे डिज़ाइन में, सॉरी माफ़ी चाहती है, हमने यहाँ से आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनेंगे। आपको टाका का अंदाज भी आ चुका होगा कि किस तरह से ये आपको दिख रहा है। मैं आपको टाई ऑफ करके भी हाँ जो पंचिंग है उसके बता दूंगा किस तरह से आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका दूसरा भी पार्ट आपको अपलोड करके देगा, उसका पंचिंग है वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह का आपको ये मेरे दो रिश्ते बना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। देखिए हमने दोनों रिश्ते हमने यहाँ पे डिज़ाइन बना दिए, दूसरे पार्ट में आपको पंचिंग करके बताऊँगा किस तरह से क्या पंचिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो, आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस तरह से वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। वेलकम टू पंटू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है।